हेलो हेलो हेलो। ओके, CMA फाउंडेशन ले मुन्ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने स्टार्ट किया था बेटा। CMA फाउंडेशन, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। बड़े लोग आ गए, आ जाओ दे बेटा नोट्स। लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, होमवर्क दिया था आपको। ओके, ओहो, क्वेश्चन नंबर वन, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ओपन किए बगैर आपने नीचे की गलतियों को सुधारना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 5.6। हाँ प्रोजेक्टर चालू नहीं हुआ, ठीक है अभी करता हूं। क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 5.6 दिख रहा बेटा सभी को? आ जाओ डन। हाँ, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। चलो बताओ तो कौन सी मेथड है, मेथड 1A, 2A, 3A। सस्पेंस अकाउंट ओपन किए बगैर आपने नीचे की गलतियों को सुधारना है, सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करना है। पुनः प्लीज ध्यान देना, ये मेथड 1A, 2A, 3A। वेरी गुड, 1 बराबर। जो बच्चे एकदम रेगुलर है क्लास के अंदर में उनको मालूम होगा। कौन कौन बच्चे एब्सेंट है बेटा, आप लोगों को वीडियोज मिला है क्या सभी को? आप देख रहे हो क्या समय पे जो बच्चे एब्सेंट? आज कुछ बच्चे मुझे नए दिख रहे हैं, नए चेहरे। आप रेगुलर थे? आप रेगुलर थे मुन्ना? रेगुलर एब्सेंट है एक दो दिन। आप भी एब्सेंट है कितने दिन? कौन से दो? तो भी रेक्टिफिकेशन कैसे समझेगा आप? कैसे ऐसे कैसे? हाँ उधर आप बेटा, आप थे प्रेजेंट थे? था ये भी था आप? हाँ प्रेजेंट थे आप? थे आप? अब्सेंट थे कल? अब्सेंट थे कल? इम्पोर्टेंट था कल, पूरा टॉपिक वापस रिवाइज किया आप ना? हाँ बोपटी टीशर्ट। हाँ आप थे प्रेजेंट थे लास्ट? अरे वो हम लोग गांव में पोपटी बोलते हैं ना रे, ग्रीन पीकॉक ग्रीन को पोपटी और ब्राउन कलर को विट करी। उधर बेटा पीछे आप प्रेजेंट है? लास्ट में कोई बैठा है आपके दोनों के बीच में? आप थे ठीक है, प्लीज ध्यान दो। आज भी अब्सेंट है बीच की लाइन पूरी? चलो आ जाओ ध्यान देना। माधुरी कोटकर ये भी बोल रही, बच्चे मेरा कल का मिस हुआ। मुन्ना यार मिस हो गया है तो आपके पास बैकअप है रिकॉर्डेड इसका, और जो बच्चों का मिस हुआ आपको भी मैंने दिया हुआ है, प्लीज एक बार वो लेक्चर देखो। है आपके पास बैकअप दिया हुआ है? पक्का है तो वो एक बार देख लेना जरूर, है ना। इसको किसी के पास होगा तो वो एक बार लिंक दे देना इसको, ठीक है। रेगुलर रहो, कोशिश करो, CMA पास होना है कि ऐसी बस कुछ तो रीजन घर पे घर से बाहर निकलना है इसके लिए करें, पास होना है ना? नहीं आपको ही पूछ रहा हूँ। खुशी, हाँ पास होना है पक्का? मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तो रिएक्शन दो, गुस्सा आ रहा है तो ऐसे देखो, अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो स्माइल दो। आप कुछ रिएक्शन नहीं दोगे तो मुझे किस समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन, सो प्लीज ध्यान देना। हाँ कल थी परसों थी? कल थी ना, बस वो मैं बच्चों को कल के लिए डांट रहा हूँ सभी को। हाँ आ जाओ, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ध्यान दे बेटा,
Correct the following errors without opening suspense account. The sales book has been totaled 100 short. Without opening suspense account, यानी तू बता बेटा दीक्षा कौन सी method है? Method 1, 2 और 3. सिर्फ दीक्षा जवाब देगी. तीन ही है, बोल देना. Correct बोल. One है. Confirm. चलो आप लोगों को बोला है यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट कंट्रोल. चलो सब लोग साथ में जहां भी डाउट आए प्लीज एक बार पूछना, जहां भी डाउट आए पूछना बेटा एक बार. क्या बोला है? सेल्स बुक का टोटल रुपीज 100 से शॉर्ट हो गया. हमने डमी एग्जाम्पल में लिया था अंडरकास्ट. सेल्स बुक का टोटल गलती से कम हो गया, तब उसे क्या करना है? बढ़ाना है. ठीक है, बढ़ा देंगे. और ये विदाउट सस्पेंस बोला है क्या? मतलब ये फर्स्ट मेथड है क्या? दैट मीन्स रेक्टिफाई द एरर्स बिफोर ट्रायल बैलेंस. देयरफॉर बताओ क्या लिखेंगे बेटा? सेल्स बुक का टोटल कम हो गया. ठीक है, कम हो गया तो कम बढ़ा दो, कम हो गया तो बढ़ा दो. तो सेल्स के कहां लिखना है? क्रेडिट में. सेल्स के कहां लिखना है? क्रेडिट में. हेलो हेलो हेलो, ध्यान दे. सेल्स के कहां लिखना है? क्योंकि सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स को क्या करो? क्रेडिट करो. सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय. क्या लिखा है? कास्ट शॉर्ट बाय अंडर कास्ट रुपीज 100. दैट्स इट. एक सिंपल वाक्य सेंटेंस लिख देना, खत्म काम. सेल्स के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय 100, मतलब सेल्स बढ़ गया क्या? हो गई गलती, रेक्टिफाई. अच्छा आपसे एक एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहा हूं. सेम अगर सेकंड स्टेप में रहता तो क्या एंट्री आती? जैसे आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर इसको रेक्टिफाई करना रहता तो क्या एंट्री आती? सस्पेंस अकाउंट. एंट्री क्या रहती? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स. होशियार बच्चा लिख लेता है. वैसे यहां पे विदाउट सस्पेंस बोला है, मतलब स्टेज वन है. अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस रहता तो यहां पे विद सस्पेंस रहता तो स्टेज टू होता. स्टेज टू की एंट्री क्या रहती? सस्पेंस टू सेल्स. और अगर ये थर्ड स्टेज में होता नहीं, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट. यस और नो? पूरा टॉपिक इसी तीन स्टेज में. हाँ बेटा बोला रहेगा, आपको क्वेश्चन में हिंट दी रहेगी, आपको उससे पहचानना है स्टेज वन है टू है के थ्री है. राइट चलो आगे पक्का. और आप नहीं थे ना दो दिन लास्ट, तो आप बस देखो स्माइल करो. मैं आपके तरफ नहीं देखूंगा क्योंकि आपके तरफ अगर मैं गलती से भी देखा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा. यस और नो? जो बच्चे अब्सेंट रहते हैं क्योंकि उनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क रहता है और उसके तरफ अगर मैं देख लूं गलती से भी तो ऐसा लगता है कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूं शायद इसको समझ में नहीं आ रहा. ठीक है ना? तो जो बच्चे जवाब देगा मैं उसके तरफ देखता हूं बराबर. ठीक है, आ जाओ ध्यान देना. और जिसको डाउट है उसने पूछना है. प्रेजेंट था फिर भी डाउट है तो बिल्कुल आपने पूछना है, आपका अधिकार है. ठीक है, जो अब्सेंट था उसने पहले पुराना वाला कवर करना है टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ठीक है, और उसने अभी पूरा ध्यान देने की कोशिश करना है. जो अब्सेंट था उसने पूरा ध्यान देने की कोशिश करना है. आगे सेल्स बुक टोटल कास्ट शॉर्ट, ये हमने देख लिया. देख बेटा सेल्स बुक का टोटल गलती से कम हो गया तो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे. सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स को क्रेडिट करो, इसलिए मैंने लिख दिया सेल्स क्रेडिट. और उसके सेल्स के क्रेडिट साइड में सेंटेंस लिख दिया बाय अंडरकास्ट रुपीज 100. कम हो गया था ना, कास्ट शॉर्ट मतलब अंडरकास्ट, गलती से कम हो जाता. दूसरा गुड्स वर्थ रुपीज 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर. कौन बच्चा ट्राई करेगा? एनीबॉडी? और कोई नहीं है, पहले से बात करा करो अगर आप ट्राई कर सकते हो तो.
बोल बेटा, तू बोल। ग्रीन गुड्स वर्थ रुपीज रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी, ग्रीन एंड कंपनी को बेचा हुआ माल उसने वापस कर दिया, इसकी कोई एंट्री नहीं किया। हाँ बोलो, एंट्री क्या रहेगा? वेरी गुड, लव यू, मजा आ गया। सो ये कहीं पे मेंशन ही नहीं किया ना, ग्रीन एंड कंपनी, ये है ग्रीन एंड कंपनी, इसको मैंने माल बेचा था, वो माल इसने मेरे मुंह पे लाके वापस मार दिया, माल वापस कर दिया, तो क्या रहेगा? सेल्स रिटर्न। एंट्री किया नहीं तो आप कर लो टू ग्रीन एंड कंपनी। कितने का माल था? 150, 150। एक ही बात है, हरीश, हरी, हरिया, हरीश सर, शाम तेरे कितने नाम? 1, 2, 3, 4 नाम। यस और नो? सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ट भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट, उसके बाद फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स रुपीज 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। अरे दे 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 दे, फर्नीचर परचेज किया और इस गधे ने गलती से परचेज डे बुक में लिख दिया। बिल्कुल सही बोला नेहा मिश्रा, फर्नीचर परचेज किया और इस गधे ने कहां पे लिख दिया? परचेज बुक में। परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या होता है बोलो? देखो ये बोलने के लिए सामने आ रही है, बोल मुन्ना। परचेज बुक का मतलब, परचेज बुक का मतलब होता है उस पार्टी से उधारी में माल खरीदा। इन्होंने फर्नीचर परचेज किया था गुलाबेन कंपनी से, इन्होंने गलती से परचेज बुक में लिख दिया, तो क्या लिखा? ऐसे लिखा जैसे परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया, लेकिन क्या परचेस किया था? फर्नीचर। लिखा ऐसे जैसे गुड्स परचेस किया, क्या परचेस किया था? फर्नीचर। क्या करना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब, क्या कर दिया? परचेस अकाउंट डेबिट टू गुलाब। किसको डेबिट करना चाहिए था? फर्नीचर को, ये तो किया नहीं, किसको डेबिट कर दिया? परचेस को। बराबर है, गलत हो गया ना, रिवर्स करो, टू परचेस, क्या करना था? बाय फर्नीचर। वेरी गुड, बरोबर। किसी को अगर नहीं समझा होगा तो देखो लॉन्ग कट वाला तरीका, रॉन्ग एंट्री। समझ में आया सभी को? समझा? तेरे को नहीं समझा ना, सच्ची बोल, समझा? हुशार पूछी, मुलगी शिकली, प्रगति झाली। ओके, बरोबर है। नेक्स्ट, समझ गए? ओके, आगे लिखा है डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम। इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान देना, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया जी मोहन को, सो ध्यान देना, डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट नाम का खर्चा बढ़ गया, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जी मोहन। ऐसी एंट्री आएगा ना, जब भी मैं किसी डेटर को डिस्काउंट अलाउ करता हूं, मुझे इससे 100 रुपए लेने थे, मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, बोलो अब इससे कितने लेने हैं? 90। 100 से किस पे आ गया? 90 पे। डेटर बढ़े या कम हुए? कम हुए। डेटर कम हो गए तो डेटर को क्या करो? क्रेडिट। देखो मैंने क्रेडिट किया और डिस्काउंट अलाउ मेरा खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, देखो डिस्काउंट को क्या किया? डेबिट, राइट। सो डिस्काउंट तो जी मोहन, ये एंट्री करना चाहिए था, कितने का डिस्काउंट आ रहे है? इसका पोस्टिंग बताओ, देखो तो सही, क्या बोला बेटा? हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। हाउएवर आगे क्या लिखा है? द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, इसके अकाउंट में करेक्ट हो गई है पोस्टिंग, बट ये करना भूल गए, नहीं किया, नहीं किया, ये किया, ये नहीं किया, कौन सी एरर है ये? उसमें भी सिंगल साइड,
पार्शियल, हाँ पार्शियल ओमिशन, सिंगल साइड एरर है बेटा, सिंगल साइड एरर में हम लोगों को दूसरा इफेक्ट पता नहीं है, ट्रायल बैलेंस पे डिफरेंस है, दूसरा इफेक्ट पता नहीं है, हम लोगों को यहां पे सस्पेंस की मदद लेनी होगी। दोनों जगह गलती हो जाती तो सस्पेंस नहीं आता, सिंगल साइड एरर है, पोस्टिंग में गलती हुई है। ध्यान देना, गावरन तरीके से बता रहा हूं एकदम, डिस्काउंट के डेबिट में लिखना भूल गया, नहीं लिखा ना, अब लिख दो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बरोबर है क्या? टू सस्पेंस, बट क्वेश्चन में बोला है कि सस्पेंस यूज नहीं करना है, तो डिस्काउंट के डेबिट में लिखेंगे टू ओमिशन इन पोस्टिंग 18 रुपए, खेल खत्म। यही अगर सेकेंड स्टेज में गलती होती तो डिस्काउंट टू सस्पेंस, यही थर्ड स्टेज में होती तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट? कौन सा वाला बेटा? ये वाला, ये डिस्काउंट के डेबिट में टू सस्पेंस, यहां लिखना चाहिए था ना, नहीं लिखा, अब लिख दो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बोलने से अच्छा लिखो ओमिशन। सर सस्पेंस क्यों नहीं लिखा? क्वेश्चन में बोला है ना विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, देख क्वेश्चन में लिखा है सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होगा इसमें। सेम गलती अगर मैं सेकेंड स्टेज में रेक्टिफाई करता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो क्या गलती, क्या एंट्री रहती? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, थर्ड में रहता तो पीएनएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, बरोबर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, लिखो। ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बोल के लिखना है तो लिख लेना। सेम गलती इफ आफ्टर ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफाई करता देन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट रहता, राइट? एक्स्ट्रा बोल के लिखना है तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन? डन। क्वेश्चन नंबर टू, मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स, पेज नंबर 5.6। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑन 30th September 2014 इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस, द डिफरेंस वॉज 830, द क्रेडिट बींग शॉर्ट इट वॉज कैरी फॉरवर्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डिफरेंस आया था और इन्होंने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। इन 2015 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, सेल्स ऑफ रुपीज 2300 टू मिस्टर लाला वॉज प्रोस्टेड टू द वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला। लाला को माल बेचा बट गलती से माला के क्रेडिट में डाल दिया था। आगे टोटल ऑफ रिटर्न्स का कुछ एक दिया है, बी पॉइंट सी डी ई एफ दिया है, और आपको बोला है पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स, हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक? ठीक है, और आखिरी में कुछ बोला है क्या, द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन, अच्छा वो तो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन ही है, आ जाओ। अब यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, मतलब सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट? आ जाओ, पुनः प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां भी नहीं समझ में आया वहां सौगंध है आपको आपके चाहने वाले की, तब के तब पूछना है, ठीक है? चलो मैं डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहा हूं, आखिर में बता दो क्या अलग है इस क्वेश्चन में, पहले जो मालूम है वो तो कर ले दो। डन?
चलो बोल बेटा, अ सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ माला। लाला को माल बेचा है बेटा हमने 2300 का, लेकिन हमने कहां पे क्रेडिट कर दिया? माला को। चलो देखो, पकड़ो, लाला को हमने उधारी में माल बेचा, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? लाला को डेबिट करना चाहिए था, लाला को डेबिट करना चाहिए था। लाला को उधारी में माल बेचा है ना, ये डेबिट तो हमने किया नहीं, उल्टा माला को क्रेडिट कर दिया। नहीं समझे बच्चे? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री लाला टू सेल, लाला टू सेल, ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। इन गधों ने एंट्री क्या कर दी मालूम है क्या? माला के क्रेडिट में लिख दिया। अमाउंट कितना है? हाँ, इन्होंने माला के क्रेडिट में लिखा, सिंगल साइड एरर है। सर आपको कैसे समझा? पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, पढ़ो ना, रॉन्गली पोस्टेड है, पोस्टेड है, पोस्टेड है। जर्नल एंट्री में गलती नहीं हुई है, सिंगल साइड एरर है। सर यहां पे रॉन्ग एंट्री में इन्होंने डेबिट में क्या किया? नहीं मालूम, बस इतना बोल रहा है कि माला को क्रेडिट कर दिया रॉन्गली। क्रेडिट कितना किया? 2300। क्या करना चाहिए था? लाला टू सेल 2300 है ना, रिवर्स एंट्री, जो गलत हो उसको रिवर्स करो, माला को डेबिट करो। टू सेल का को मालूम ही नहीं है, रुको तो सही, रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ। माला डेबिट, लाला डेबिट, कैंसिल नहीं होगा, माला डेबिट, लाला डेबिट, टू सेल 2300 और टू सस्पेंस 2300 बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते? सिंपल है ना, जो गलत हुआ पहले वो लिख दिया। गलत क्या हुआ? गलत बस इतना ही हुआ, माला को क्रेडिट किया। गलत बस इतना ही हुआ कि माला को क्रेडिट किया, बरोबर है? जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, तो माला को डेबिट कर दिया। क्या करना चाहिए था? लाला को माल बेचा तो लाला को डेबिट करना चाहिए था और सेल्स को क्रेडिट, बरोबर? यस और नो? अभी ध्यान देना, नहीं 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 खत्म नहीं हुआ, आप फोटो अभी मत निकालना, ठीक है? अब ये पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, ये किससे रिलेटेड है? पोस्टिंग से। पुनः प्लीज ध्यान देना, सिंगल साइड एरर है। यहां पे गलती कहां हुई है क्वेश्चन में देखो तो जरा, ये पुनः प्लीज ध्यान देना। सिर्फ इतना हुआ है, सेल ऑफ 2300 ऑफ मिस्टर लाला पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला, सिर्फ इतना ही गलत हुआ है, इसका मतलब बाकी सही हो गया, बरोबर है क्या? बाकी सही हो गया मतलब यहां पे ये सेल के अंदर में जाना चाहिए था, वो भी चला गया होगा। यस और नो? सर आप लिख के बताओ यार, एक ही है ऐसे ट्रांजेक्शन, डोंट वरी, ये एक आ गया तो आगे के सब आ जाएंगे, ध्यान देना। ये देख, लिखना है तो ये इसका फोटो निकाल लेना, ये लिख लेना, ये डिटेल में बता रहा हूं, देखो ध्यान देना। पहले क्या होता है? जर्नल एंट्रिया बेटा, ऐसे कम से कम 10-15 बार आएंगे इस टाइप के ट्रांजेक्शन, तो अच्छे से लिखना। बोलो, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है? पोस्टिंग। यहां गलती एंट्री में हुई है पोस्टिंग में? पढ़ो, गलती हुई है, सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ माला। गलती पोस्टिंग में हुई है, गलती पोस्टिंग में हुई है, यहां पे एरर हुआ है, मतलब ये गलत है और उसके आगे का सब गलत है।
इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? ये सही है, बराबर है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं क्लासरूम के अंदर जब एंटर किया तब मैंने स्पेक्स पहना हुआ था, और जब मैं बाहर जा रहा था तब मेरा स्पेक्स खो गया। तो स्पेक्स रास्ते में खोया है या क्लासरूम में कहीं खोया है? क्लासरूम में, कॉमन सेंस ना। मैं क्लासरूम में जब आया तब मेरा स्पेक्स मैंने पहना हुआ था, इसका मतलब क्लासरूम में घुसने के पहले सब कुछ बराबर था। मैं जब पोस्टिंग कर रहा था तब गलती हुई, मतलब पोस्टिंग करने के पहले सब कुछ बराबर था। कॉमन सेंस राइट। सो अगर गलती पोस्टिंग में हुई है, इसका हिंदी भाषा में मतलब है पोस्टिंग के पहले का जो कुछ था रिकॉर्डिंग वो सब सही है, मतलब रिकॉर्डिंग सही हुआ है और गलती पोस्टिंग में हुई है। कॉमन सेंस। आपकी उम्र के 18 साल में आए तब बिगड़ गए, इसका मतलब क्या है? 18 के पहले आप प्रॉपर थे। कॉमन सेंस ना। 18 के बाद बिगड़े, मतलब 18 के पहले आप प्रॉपर थे। गलती पोस्टिंग में हुई है, मतलब पोस्टिंग के पहले सब कुछ प्रॉपर था। कॉमन सेंस। युवक भारती, चलो आ जाओ। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एंट्री क्या होना चाहिए था? किसको माल बेचा था हमने? लाला को। लाला को माल बेचा है ना। लाला अकाउंट डेबिट टू सेल, ये प्रॉपर हुआ है जनरल एंट्री। पोस्टिंग कहां करना चाहिए था? लाला के डेबिट में टू सेल, बरोबर ना? ध्यान देना। और सेल्स के क्रेडिट में बाय लाला। लाला मेरी माँ के कंगन वापस दे दे तू। ये ऐसी पोस्टिंग होनी चाहिए थी, बट इन गधों ने पोस्टिंग क्या किया मालूम है क्या? लाला की जगह माला के क्रेडिट में लिखा या डेबिट में, पढ़ के बताओ। अरे रे रे रे, क्या लिखा क्रेडिट में? 2300 लिख दिया। क्या अकाउंट के नाम से लिखा वो मुझे नहीं मालूम, बस इतना बोला है लाला को डेबिट करने की जगह माला को क्रेडिट कर दिया। समझ में आए क्या? मतलब सेल का जो होना था वो प्रॉपर हो गया? सेल में कुछ करना है क्या हमें? इसीलिए मैंने ऊपर लिख करके दिया था कि सेल प्रॉपरली हो गया है। तो यहां पे सेल, ये इकलौता ऐसा ट्रांजेक्शन यहां पे आपको समझना होगा। ये देखो ना एक बार फिर से, पोस्टिंग में गलती हुआ जितना भी मैंने बताया, ध्यान देना, कंटिन्यूअस अटेंशन। पोस्टिंग में गलती हुआ मतलब जर्नल एंट्री प्रॉपर है। पोस्टिंग में क्या गलती हुआ? लाला के डेबिट में लिखना चाहिए था टू सेल, वो तो लिखा नहीं, और इन्होंने बोला है लाला की जगह माला के क्रेडिट में लिख दिया। सो गलती इतने में हुई है सिर्फ, ये प्रॉपर है। ऐसा बोला है क्या सेल में गलती हो गई? ऐसा बोला है क्या सेल के पोस्टिंग में गलती हो गई? गलती इतनी चाहिए था, लाला को डेबिट करना चाहिए था। क्या कर दिया? माला को क्रेडिट कर दिया। खेल खत्म। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट हर जगह अप्लीकेबल है, बराबर है। लाला को माल बेचा, लाला को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा माला को क्रेडिट कर दिया। माला को क्रेडिट कर दिया नहीं करना चाहिए था ना? माला को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? माला का कोई संबंध ही नहीं, क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। सो माला अकाउंट डेबिट, बराबर है क्या? इसको मैंने रिवर्स कर दिया, गलत हुआ नहीं? क्या करना चाहिए था? लाला को डेबिट करना चाहिए था, लाला को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया ही नहीं, अब कर दो। जो करना चाहिए था अब कर दो। क्या डेबिट करना चाहिए था लाला को? सो लाला अकाउंट डेबिट 2300। दूसरा पता नहीं है, टू सस्पेंस 4600। ये है शॉर्टकट।
ये लिखो, डोंट वरी वापस बता दो एक बार ध्यान दो, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। डन, एक बार वापस ध्यान देना। हेलो, नीचे वाला, नीचे कुछ नहीं है, शॉर्टकट वाला बता दो। ठीक है, आ जाओ। अब एक बार शॉर्टकट तरीके से वापस बता देता हूँ, प्लीज ध्यान देना, जो बच्चों को नहीं समझा प्लीज ध्यान दो। ये लिख लिया सभी ने? आ जाओ। हाँ लिखा, आ जाओ। देखो ध्यान देना, ये मना बहुत काम का क्वेश्चन है, अच्छे ध्यान दो, सारे एमसीक्यू इसी में। ए बेटा प्लीज ध्यान देना, काफी सारे बच्चों को समझ में आएगा, लेकिन चार पांच बच्चों के चेहरे पे अभी भी शिकंज दिख रही है, खास उन चार पांच बच्चों के लिए वापस ध्यान देना। एक बार फिर से मैं लिख के बता रहा हूं सेंटेंस, हाँ, सेल ऑफ 2300 टू लाला, एल यानी लाला, वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ माल, बरोबर है, माल बेचा लाला को और किसके क्रेडिट में लिख दिया, माला के, किसके क्रेडिट में लिख दिया, माला के। चलो कितने का माल था, 2300 का ना, ध्यान देना। तो ये पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, पोस्टिंग रिलेटेड एरर, एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं, बरोबर है, मतलब ये सिंगल साइड एरर है, मतलब यहां सस्पेंस आएगा, अगर ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो सस्पेंस आएगा, और बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो एक सिंगल सेंटेंस आएगा, राइट। अभी उन्होंने बोला है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस, मतलब आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही हम लोग कर रहे होंगे शायद, अब ध्यान दें। चल एकदम शॉर्टकट तरीके से बता दो, क्वेश्चन का ही पार्ट लिखा मैंने, प्लीज आ जाओ प्लीज। हाँ आ जाओ बेटा, एकदम शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, माल बेचा था लाला को, गलती से क्रेडिट कर दिया मालक, एकदम शॉर्ट, किसको माल बेचा, लालक को, किसको डेबिट करना था, लालक को, लालक को डेबिट किया नहीं, लालक को तो डेबिट किया नहीं, उल्टा माला को क्रेडिट कर दिया, माला को क्रेडिट कर दिया, माला को क्रेडिट करना चाहिए था क्या, नो, रिवर्स करो, डेबिट कर दिया, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, क्या करना चाहिए था, लाला को डेबिट करना चाहिए था। सर डेबिट क्यों, लाला को उधारी में माल बेचा है ना, उधारी माल बेचा तो क्या करेंगे, डेटर को डेबिट ही करेंगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंट, जब भी किसी पार्टी या पर्सन को उधारी माल बेचते तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या बन जाता है, डेटर, यस और नो, सो लाला को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा माला को कुछ कुछ कर दिया, माला को जो किया मैंने उसका रिवर्स कर दिया, और लाला को डेबिट करना था नहीं किया, अब कर दो, ले लो दूसरा इफेक्ट, पता नहीं, खेल खत्म, सिंपल है, ये गलत हो गया, गलत को हमने क्या किया, रिवर्स, और ये करना चाहिए था वो अब कर दिया, सिंपल है, पक्का समझ में आए सभी को, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी, नेक्स्ट, कौन से, वो तो पुराने वाले बैलेंसेस है, देखेंगे लास्ट में है काम उसका भी, डन,
हाँ इसमें कुछ भी नहीं, बस हम लोगों को पहले गलतियां सुधारनी है, उसके बाद जो पुराने वाले जो हमारे पाप है उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे एक सस्पेंस। कुछ नहीं, बच्ची बोल रही सर ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है उसका इससे कोई संबंध नहीं है क्या? मतलब संबंध है लेकिन वो संबंध बाद में आएंगे, बराबर है ना? शादी होने के बाद, अभी एंगेजमेंट चल रही है। उसके बाद आगे बोला हुआ है द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 14 रुपीज 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। अगेन पोस्टिंग करना ही भूल गए, रिटर्न इनवर्ड बुक का पोस्टिंग करना ही भूल गए। पोस्टिंग रिलेटेड एरर है, सिंगल साइड एरर है, सिंगल साइड एरर है तो यहां पे अगेन क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। यस और नो? आज चलो देखो तो कौन सा बुक है रिटर्न इनवर्ड, मतलब कौन सा है? सेल्स रिटर्न है क्या? ये पहला था ना, दूसरा आप ही पूरा डिटेल में ऐसा लिख लेना चाहिए तो। रिटर्न इनवर्ड का पोस्टिंग करना ही भूल गए, कहां पोस्टिंग करते हैं सेल्स रिटर्न का? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न बुक, इसका पोस्टिंग कहां होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। सर क्यों? अरे बाबा सेल का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न बुक कहां जाएगा? सेल्स रिटर्न के डेबिट में। तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में पोस्टिंग करना भूल गए, यहां करना चाहिए था बट नहीं किया, अब कर दूं। देयरफॉर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सिंगल साइड एरर है, पोस्टिंग रिलेटेड है, सिंगल साइड एरर है मतलब दूसरी साइड हमें पता नहीं है तो क्या है बेटा? सस्पेंस। कौन से पार्टी से माल वापस आया वो दिया रहता तो मैं वो पार्टी को क्रेडिट करता था, लेकिन उस पार्टी का नाम नहीं दिया, नहीं बताए तो सस्पेंस। बताओ क्या बोले बेटा? हाँ अच्छा एंट्री बोल। नेक्स्ट फ्रेट पेड ऑन मशीन ऑफ 5600 वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 6500। मशीन के लिए फ्रेट पे किया था, कौन सा खर्चा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन के लिए फ्रेट पे किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहां जाना चाहिए था? मशीन के डेबिट में। कहां जाना चाहिए था? मशीन के डेबिट में, वो तो किया नहीं, उल्टा कहां डाल दिया? फ्रेट के डेबिट में। यस और नो? जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, फ्रेट को क्रेडिट करो तो फ्रेट अकाउंट। फ्रेट के डेबिट में कितना लिख दिया गलती से इन्होंने? 6500। तो जो गलत हुआ उसको रिवर्स करेंगे ना, 6500। ये गलत हुआ, ये गलत हो गया था, वर रॉन्ग, नाउ रिवर्स। और क्या करना चाहिए था? फ्रेट हमने मशीन के लिए पे किया, मशीन खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक का खर्चा याद करो बचपन, असेट खरीदने से रेडी फॉर यूज करने तक के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ असेट। तो मशीन के वैल्यू में ऐड करना चाहिए था, मशीन के वैल्यू में ऐड करना चाहिए था, मतलब मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो। कितना डेबिट करना चाहिए था? 5600 था ना एक्चुअल में। यस और नो? कर दिया। सो जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब कर दो। अभी भी डिफरेंस है, डिफरेंस मुझे पता नहीं किस चीज का है, तो क्या लिखूंगा मैं? सस्पेंस। कितना है बेटा? 900। क्या बोलते हो बच्चों? बरो हाँ नहीं, हाँ रुको रुको, इसलिए थोड़ी देर पहले बच्ची ने वही सवाल पूछा था, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, एक मिनट मैं बता देता हूँ कहाँ गया रे, ये क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 5.6, हम लोग इसको आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट ऐसे दो बार सॉल्व करें, बराबर। अभी थोड़ी देर पहले बच्ची ने वही सवाल पूछा कि ऊपर का जो भी दिया है ये सब पिछले पीरियड का है जो भी है, मैंने बोला पहले तू नॉर्मल सॉल्व कर ले फिर मैं बताऊंगा उसका क्या करना है,
है ना, हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को कितने बार सॉल्व कर रहे हैं? दो बार। यकीन मानो मैं करवाऊंगा सब अच्छे से, है ना। समझा तो जो बोलना चाह रहे हो ना, समझा मुझे क्या है, लेकिन वो यहाँ पे मैं करवाऊंगा आपसे, बरोबर। मतलब जो बच्चे एबसेंट है तो उनका आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी हो जाएगा, आफ्टर फाइनल अकाउंट भी हो जाएगा, डन। तो हम लोग अभी क्या सॉल्व कर रहे हैं बेटा? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आप जो बोल रहे हो वो भी आएगा, कहाँ पे आएगा? आफ्टर फाइनल। करवाऊंगा पूरे क्वेश्चन, और आज होमवर्क भी दूंगा। अच्छा, पुराना वाला होमवर्क किया करे सभी ने? किया, ओके। कल ये वाला होमवर्क और पुराना वाला होमवर्क दोनों का एक साथ चेक करूंगा, ठीक है? इसका दूंगा ना मैं, क्या बोले बेटा? यही दो सब होमवर्क दिए थे, ओके। क्या बात कर रहे हो, मैंने कंसाइनमेंट का होमवर्क नहीं दिया था, कुछ भी दिया था ना यार? इट्स ओके, कूल डाउन, काम डाउन। मैं अभी पहले पढ़ाता हूं। आगे दिया है, वाइट कैरिंग, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड, वहां पे वाइट नहीं, वाइल होना, वाइल, WHILE, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन द परचेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज, ₹65,590 वॉज रिटर्न इंस्टेड ऑफ वो अगला जो पॉइंट है वो ई नहीं है, वो कंटिन्यू में डी का ही, इंस्टेड ऑफ 56,950। क्या लिखना चाहिए था भाई? दबे करेक्ट फिगर क्या थी? 56,950। गलती से क्या लिख दिया? 65,590। और कहां लिखा है बेटा? परचेस में। सो परचेस गलती से बढ़ा दिया क्या? परचेस रॉन्गली इंक्रीज कर दिया क्या? यस और नो? सही किया? पिछले पेज का परचेस का टोटल था 56,950, वो गलती से हमने लिख दिया 65,590, बरोबर ना? ऐसा लिखा है, देखो ये होना चाहिए था, है ना, इंस्टेड इसकी जगह पे ये लिख दिया, इंस्टेड इसकी जगह पे ये लिख दिया, बरोबर है? ये समझ में आएगा सभी को, बरोबर है? सो परचेस कितना होना चाहिए था? 56,950। कितना लिख दिया? कितना लिखना चाहिए था, बरोबर है? 56,950। परचेस ज्यादा लिखा गया, कितने से ज्यादा लिखा? 8,640 से परचेस गलती से बढ़ा दिया, कम करो, therefore टू परचेस, दूसरा इफेक्ट पता नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट लिख लो, राइट? लिखा सभी ने? सिंपल है, को हम लोग एक बार क्या करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें मालूम नहीं ना पेपर में एमसीक्यू को कैसे आएगा, बट डोंट वरी, दोनों तरीके से करो, चलो, ओके, बाय, थैंक यू सो मच गाइस।